गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही फन कंपैरिजन बिटवीन दोज एसयूवीज जो कि अपने आप में बहुत ही एक्सीलेंट रोड प्रेजेंस ऑफर करती है। दोनों ही एसयूवीज में काफ़ी कुछ डिफरेंट दिया गया है, काफ़ी कुछ यूनिक दिया गया है, दोनों के ही डिफरेंट यूएसपीज हैं। तो इन दोनों में से आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए एंड उसका रीज़न क्या रहेगा, सो वो आज हम आपको बताने वाले हैं। सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। ये है टाटा हैरियर वर्सेज हुंडई ट्यूसॉन का डिटेल्ड टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन। तो इस रिव्यू में वन बाय वन हम सारी एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटीरियर लुक जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है दोनों ही एसयूवीज की। फर्स्टली गाइज यहाँ पे जो हैरियर है वो थोड़ी ज़्यादा बल्की रगेड और एक मस्कुलर स्टाइलिंग ऑफर करती है। जो ट्यूसॉन की स्टाइलिंग दी गई है वो थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम साइड थोड़ी फ्यूचरिस्टिक साइड पर है। तो हैरियर यहाँ पे थोड़ी बल्की एंड रगेड एसयूवी लुक लाइक ऑफर करती है। हाइट भी यहाँ पे ज़्यादा दी गई है, बोनेट की ओवरऑल कार की सेटिंग हाइट भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। तो दोनों ही एसयूवीज काफ़ी डिफरेंट लुक ऑफर करती हैं और दोनों ही एसयूवीज यहाँ पे स्प्लिट टाइप हेडलैम्प यूनिट ऑफर करती है। यहाँ पे जो डेटम रनिंग लाइट्स है ग्रिल में जाके मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे जो डेटम रनिंग लाइट्स ट्यूसॉन में दिए गए हैं ये ग्रिल के अंदर ही दिए गए हैं, विच मीन्स यहाँ पे जब डीआरएल्स ऑफ होंगे तो ये कंप्लीट एक ग्रिल की तरह ही लुक ऑफ करेगी। आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे डेटम रनिंग लाइट्स अवेलेबल है भी या फिर नहीं है। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया एंड इट लुक्स रियली वेरी नाइस। यहाँ पे कंप्लीट डार्क क्रोम फिनिश मिलती है, लोगो भी डार्क क्रोम फिनिश में दिया गया है। और हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो ट्यूसॉन में एलईडी हेडलैम्प अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एक्सिनॉन HID हेडलैम्प मिलते हैं फॉर द लो बीम, हाई बीम हेलोजन में दी गई है और हेलोजन में फॉग लैम्प अवेलेबल है विद कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन। यहाँ पे ट्यूसॉन में कोई भी आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते, ऑल दो फ्रंट सेंसर्स अवेलेबल है ट्यूसॉन में जो कि यहाँ पे नहीं दिए गए। सो फ्रंट लुक दोनों ही एसयूवीज काफ़ी यूनिक ऑफर करती है। बात करें साइड प्रोफाइल के बारे में तो साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्यूसॉन में कट्स एंड क्रीजेस यूज़ करी गई है, जो यहाँ पे शोल्डर लाइन यूज़ करी गई है, जो डोर्स में यहाँ पे एजेस यूज़ करे गए हैं, इट लुक्स रियली वेरी स्ट्राइकिंग। और यहाँ पे विंडो के आसपास भी यहाँ पे थोड़ी प्रीमियम फिनिश दी गई है। जो विंग मिरर्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइंड है। यहाँ पे ट्यूसॉन में आपको ब्लैक कलर की रूफ रेल्स मिलती हैं, हैरियर में रूफ रेल्स अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो दोनों ही एसयूवीज में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। अलॉय व्हील्स की बात करें तो ट्यूसॉन के जो अलॉय व्हील्स हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़िया लुक ऑफर करते हैं। और यहाँ पे भी इवन ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश यूज़ करी गई है। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिल जाती है हैरियर की बैजिंग के साथ। ओवरऑल जो साइड की स्टाइलिंग है तो हैरियर थोड़ी टॉल लगती है डेफिनेटली, लेकिन दिस इज़ द वन एसयूवी जो कि बहुत ही स्ट्राइकिंग एंड काफ़ी डिफरेंट लुक ऑफर करती है। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज यहाँ पे जो टाटा हैरियर आपको रोड प्रेजेंस ऑफर करती है दैट इज ट्रिमेंडस, एक्सीलेंट रोड प्रेजेंस ये ऑफर करती है। एवरीबडी लुक्स एट दिस कार बिकॉज ऑफ द मैसिव साइज एंड स्पेशली ये जो ब्लैक कलर है इट लुक्स स्पेक्टाकुलर। नाउ मूविंग ऑन टू द रियर, और यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा स्लोपिंग रूफ लाइन मिल जाती है कूपे लाइक। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्लोपिंग नहीं दी गई, ऑल्दो दोनों में ही रियर में स्पॉइलर अवेलेबल है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, शार्क फिन एंटेना दिया गया है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो ट्यूसॉन की रियर लुक है आपको थोड़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मिलेगी, वेयर एज आप यहाँ पे इसकी लुक देखेंगे तो ये ज़्यादा स्पोर्टी ज़्यादा एग्रेसिव दी गई है। सो यहाँ पे जो LED टेल लैम्प अवेलेबल है जॉइनिंग दिए गए हैं एंड दे लुक रियली वेरी नाइस, स्पेशली नाइट में काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं ये। यहाँ पे आपको नॉर्मल टेल लैम्प मिल जाते हैं LED टेल लैम्प, लेकिन जॉइनिंग नहीं दिए गए। यहाँ पे हैरियर की बैजिंग, यहाँ पे ट्यूसॉन की बैजिंग और यहाँ पे ब्लैक क्लैडिंग जो है हैरियर में ज़्यादा यूज़ करी गई है। दोनों में ही आपको स्किट प्लेट मिल जाती है, जो रियर वाइपर है वो यहाँ पे दिया गया है, इसका जो रियर वाइपर दैट इज़ हिडन तो ये आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में मिलेगा। तो ट्यूसॉन की जो स्टाइलिंग है थोड़ी लग्जूरियस साइड पर, थोड़ी प्रीमियम साइड पर करी गई है, वेयर एज हैरियर की जो स्टाइलिंग है दैट इज़ रगेड एंड वेरी मस्कुलर। और अब बात करते हैं दोनों के ही बूट स्पेस के बारे में। फर्स्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलेगा, सो आपको ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा। सो ये है ट्यूसॉन का बूट स्पेस और ये है हैरियर का बूट स्पेस। ट्यूसॉन का जो बूट स्पेस है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे आपको स्लाइडिंग मिल जाती है, पार्सल शेल्फ, यहाँ पे एक लगेज लैम्प अवेलेबल है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, साथ में एक सबवूफर भी दिया गया। और जो स्पेयर टायर है वो आपको यहाँ पे प्लेस मिलता है, स्पेयर टायर दिया गया फुल साइज़ का अलॉय व्हील। और यहाँ पे 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया तो सीट्स को हम फोल्ड डाउन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द टाटा हैरियर, सो यहाँ पे जो पार्सल शेल्फ है वो आपको फिक्स्ड ही मिलेगी एंड दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस। और यहाँ पे भी लगेज लैम्प दिया गया, देन यहाँ पे कुछ हुक्स अवेलेबल हैं विच इज़ द ग्रॉसरी हुक। इसी के साथ यहाँ पे भी आपको एक सबवूफर मिल जाता है JBL का एंड देन इसको आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको कुछ टूल किट मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है बट जो स्पेयर टायर है इसका वो आपको अंडर बॉडी प्लेस मिलता है एंड दैट इज़ नॉट अ फुल साइज अलॉय व्हील, वो स्पेयर टायर आपको नॉर्मल टेम्परेरी टायर दिया गया स्टील व्हील। 60-40 स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। और अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में एंड डोर थर्ड के बारे में। सो हैरियर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर फील होती है और जो डोर थर्ड है ज़्यादा रीअश्योरिंग फील होते हैं।
सो बात करते हैं स्पेस कंफर्ट एंड ड्राइविंग व्यू के बारे में। सो फर्स्टली फ्रंट सीट्स की जो यहाँ पे डोर्स है काफ़ी वाइड ओपन हो जाते हैं, इजी इन एंड आउट आपको मिल जाता है। एंड हैरियर में भी इजी इन एंड आउट दिया गया फ्रंट सीट्स में, ऑल दो जो फ्रंट सीट्स हैं वो हैरियर की थोड़ी ऊपर प्लेस्ड है, सो वी फील लाइक वी आर सिटिंग इन अ मच बिगर मच टॉलर एसयूवी कंपेयर टू ट्यूसॉ। एंड जो फ्रंट सीट्स हैं वो आपको दोनों की काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगी। यहाँ पे जो ट्यूसॉ की फ्रंट सीट्स हैं, फर्स्टली दे लुक मोर प्रीमियम। यहाँ पे ये जो मेटल फिनिश दी गई है, जो परफोरेशन दी गई है, इट लुक्स मोर प्रीमियम एंड लग्जूरियस। सेकेंडली यहाँ पे जो कंफर्ट भी है वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया। अंडर थाई सपोर्ट ऑल द ट्यूसॉ का भी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं दिया गया, लेकिन आपको हैरियर से बेटर मिलता है। जो सीट्स भी है थोड़ी ज़्यादा वाइडर हैं, जो अंडर थाई सपोर्ट है, जो अपर शोल्डर सपोर्ट है, वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जो सीट्स है वो ट्यूसॉ की आपको थोड़ी ज़्यादा वाइड मिलती है। ऑल्दो यहाँ पे जो स्पेस है दोनों में ही एम्पल अवेलेबल है, यहाँ पे ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो कि यहाँ पे हमारे को नी पे टच करता है। हैरियर में जो सेंट्रल कंसोल है वो थोड़ा सा हमारी नी पे यहाँ पे टच होता है। तो फ्रंट सीट्स अनडाउटेबली यहाँ पे जो ट्यूसॉ है उसकी स्लाइटली बेटर मिलेगी। एंड हैरियर में सिर्फ आपको ड्राइवर साइड सीट मिलती है 6-way पावर एडजस्टेबल। यहाँ पे जो ड्राइवर साइड सीट है वो 8-way पावर एडजस्टेबल दी गई, यानी कि 8-way इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, 2-way यहाँ पे लंबार सपोर्ट एडजस्टमेंट मिलता है। इवन जो को ड्राइवर साइड सीट है वो भी आपको मिलती है पावर एडजस्टेबल। और हैरियर की जो पैसेंजर साइड सीट है वहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलती, ना ही मैनुअल, ना ही आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगी। ऑल्सो ड्राइवर साइड सीट में इजी इन एंड आउट दिया गया, तो यहाँ पे अगर जैसे मैं कार को ऑफ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सीट स्लाइड बैक हो जाएगी ताकि मैं आराम से नीचे उतर सकूँ। जैसे ही मैं दोबारा के यहाँ पे बैठूंगा, कार को स्टार्ट करूंगा, तो सीट्स जो है वो आगे स्लाइड हो जाएंगी। सो ये है हुंडई ट्यूसॉ का ड्राइविंग व्यू। ORVM जो है काफ़ी अच्छा क्लियर व्यू ऑफर करते हैं। रियर व्यू मिरर इज ऑल्सो रियली वेरी नाइस। आपको ओवरऑल ऑल राउंड द कार काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। इवन जो बोनेट भी है वो समवट यहाँ पे विजिबल रहता है। तो यहाँ पे 2 wiper वॉशर दी गई है जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती है एंड काफ़ी अच्छा स्प्रे करती है। वाइपर्स वर्क रियली वेरी नाइसली। एंड दिस इज द हॉर्न साउंड। तो ये है टाटा हैरियर का ड्राइविंग व्यू। ORVM बहुत ही अच्छे साइज़ के दिए गए हैं। रियर व्यू मिरर भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। हेडरेस्ट थोड़ा बहुत व्यू ब्लॉक कर देती है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। जब आप यहाँ पे बैठते हैं आपको कंप्लीट बोनेट का व्यू मिल जाता है और काफ़ी टॉल यहाँ पे आपको व्यू मिलता है। यू फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ प्रॉपर बिग साइज SUV। एंड इसी के साथ दिस इज़ द वाइपर। जो यहाँ पे वाइपर्स दिए गए हैं वो आपको स्लाइटली बेटर मिलते हैं, बट जो स्प्रे है वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। वहाँ पे जो स्प्रे है ट्यूसॉ में वो बेटर दिया गया। तो यहाँ पे ऑल दो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन दोनों ही इक्वली अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं विंडशील्ड को। देन दिस इज द हॉर्न साउंड। तो हैरियर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा दी गई है। फ्रंट सीट्स की हाइट थोड़ी ज़्यादा दी गई है। सो यहाँ पे जब हम बैठते हैं वी फील लाइक वी आर सिटिंग इन अ प्रॉपर बिग साइज SUV। और ट्यूसॉ में रियर सीट में आपको बैठना हो तो इट इज़ लाइक अ केक वॉक। बहुत ही ईजी इन एंड आउट आपको रियर सीट में मिल जाता है। इवन हैरियर की रियर सीट में भी इन एंड आउट काफ़ी ईजी दिया गया है। यहाँ पे आप लेग रूम की बात करें तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट का लेग रूम अवेलेबल है। और ये है हैरियर का लेग रूम, ये है ट्यूसॉ का हेड रूम, और ये है हैरियर का हेड रूम। और यहाँ पे जो फ्लोर बोर्ड है ऑलमोस्ट फ्लैटिश मिलता है। 3 person यहाँ पे इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है हैरियर को हम इससे कंपेयर करें तो स्लाइटली बेटर यहाँ पे ट्यूसॉ में अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। सिर्फ स्लाइटली बेटर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया। बट ओवरऑल अगर आप देखें कंफर्ट का एंड रिक्लाइन एंगल का, सो दिस इज़ द रिक्लाइन एंगल विच इज़ मैसिव। एंड ये जो इतना रिक्लाइन हो जाता है इससे जो कंफर्ट है वो मल्टी फोल्ड इंक्रीज हो जाता है। सो यू कैन सी यहाँ पे जो कंफर्ट है दैट इज़ वेरी नाइस। और यहाँ पे रियर आपको 3 adjustable हेडरेस्ट मिल जाती है। सेंटर में आर्मरेस्ट दी गई है विद ट्विन कप होल्डर स्पेस। और यहाँ पे डोर्स पे भी डिफरेंट टेक्सचर्स यूज़ करे गए हैं। पियानो ब्लैक फिनिश, मेटल फिनिश, सिल्वर फिनिश, फैब्रिक फिनिश, देन यहाँ पे लेदर फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश। सो इट गिव्स अ वेरी प्रीमियम एंड अप मार्केट अपील। यहाँ पे फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट मिल जाती है। देयर इज़ अ बॉस मोड, तो ये जो फ्रंट वाली सीट्स है मैं आगे स्लाइड कर सकता हूँ ईजिली कुछ ऐसे। और यहाँ पे एक रियर एसी वेंट अवेलेबल है जिसका जो फ्लो है वो आपको टाटा हैरियर के एसी वेंट से ज़्यादा बेटर मिलेगा। हैरियर के एसी वेंट बी पिलर पे प्लेस्ड है, यहाँ पे सेंट्रली प्लेस मिलता है। और रियर में आपको 2 A-type USB चार्जर्स मिलते हैं, सी टाइप नहीं दिए गए। यहाँ पे 2 cabin lamps है, एक इधर कैबिन लैम्प मिलेगा, एक इस साइड मिलेगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है साथ में। कोट हैंगर सिर्फ इस साइड दिया गया, उस साइड आपको नहीं मिलता। ऑल्सो एक बहुत बड़ा मिसिंग फीचर है रियर में, यहाँ पे आपको रियर सनशेड नहीं मिलता। ऑल्दो हैरियर में भी नहीं दिया गया, बट यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया। तो हैरियर की रियर सीट भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है। यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट अच्छा दिया गया। वहाँ पे ट्यूसॉ में हल्का सा एक्स्ट्रा मिलता है, अबाउट 1 inch एक्स्ट्रा मिलेगा। और ट्यूसॉ का जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा ज़्यादा फ्लैटिश दिया गया कंपेयर टू दिस कार। जो रिक्लाइन एंगल है, ऑल्दो ये जो सीट्स हैं इससे ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होती, जो ट्यूसॉ में सीट्स है वो बहुत ज़्यादा रिक्लाइन हो जाती है। लेग रूम आप देख सकते हैं, हेड रूम।
तो एम्पल अमाउंट में यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, विच इज़ रियली वेरी नाइस। और यहाँ पे जो डोर्स पे आर्मरेस्ट दी गई है काफ़ी अच्छे साइज़ की है, तो बहुत ही कंफर्ट ऑफर करती है। कुशन लेदर आर्मरेस्ट अवेलेबल है, फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट मिल जाती है, यहाँ पे ट्विन आपको ए टाइप USB पोर्ट्स मिलते हैं, चार्जिंग पोर्ट्स जैसे कि ट्यूसा में दिए गए सेम। AC वेंट्स यहाँ पे प्लेस्ड है, कूलिंग जो है रियर AC वेंट्स की स्लाइट बिट टाइम लगाती है। एंड देन देयर इज़ अ ग्रैब हैंडल, यहाँ पे एक आपको कैबिन लैम्प मिलेगा। कैबिन लैम्प जो हैरियर में मिलते हैं वो थोड़े से ज़्यादा पावरफुल है कम्पेयर टू ट्यूसा, फ्रंट के भी एंड रियर के भी। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल है, ट्यूसा में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट थी और दोनों में ही सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाती है ट्विन कप होल्डर्स। ऑल्दो आर्मरेस्ट की जो क्वालिटी है वो ट्यूसा की थोड़ी बेटर है। और सेंटर में आप एक मोबाइल पॉकेट मिलती है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल या फिर अदर निकनैक्स प्लेस कर सकते हैं। तो स्पेस एंड कंफर्ट के डिपार्टमेंट में डेफिनेटली ट्यूसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है कंपेयर टू टाटा हैरियर। सो बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में, तो हैरियर में यहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर यूज़ करे गए हैं इन द डार्क एडिशन। यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू लेदर सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, ब्लैक एंड ब्लू फिनिश यहाँ पे डोर्स पे भी दी गई है। इवन यहाँ पे भी मल्टीपल टेक्सचर्स यूज़ करे गए हैं। इवन यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल जो कि यूज़ करा गया है। सेंटर में पियानो ब्लैक फिनिश, इधर आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश। इंटीरियर्स आर रियली वेरी स्पोर्टी इन हैरियर, बट यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो उस लेवल की नहीं दी गई जो कि आपको ट्यूसा में देखने को मिल जाती है। ट्यूसा की जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, जो लग्जूरियसनेस ट्यूसा ऑफर करती है, दैट इज़ बियॉन्ड कंपेरिजन। अगर हम हैरियर से कंपेयर करें या फिर इवन जीप कंपस से कंपेयर करें, नो कार कैन कम क्लोज टू द इंटीरियर्स जो कि ट्यूसा ऑफर करता है। डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल हैं, जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, जो बटन्स की क्वालिटी है, मटेरियल जो यूज़ करा गया, इवन जो वाइपर्स एंड हेडलैम्प के कंट्रोल्स है, दे आर सुप्रीमली प्रीमियम। स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे मेटल फिनिश के स्विचेस यूज़ करे गए हैं। एवरीथिंग फील्स सो अबव क्लास इन ट्यूसा। और हैरियर में अवेलेबल है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मोर और लेस ये सेम इन्फॉर्मेशन शो करता है जो कि ट्यूसा का शो करेगा। बट ओवरऑल गाइज यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, जो प्रीमियमनेस है, वो आपको ट्यूसा में अगेन ज़्यादा मिल जाती है। जो डिजिटल क्लस्टर है थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और ये है हैरियर का 8.8 इंचेस का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स, एक सबवूफर विद एम्पलीफायर अवेलेबल है JBL का। जो साउंड क्वालिटी है वो आपको ट्यूसा से बेटर मिलेगी इधर हैरियर में। और जो रियर कैमरा है वो हैरियर में आपको थोड़ा सा लैगी मिलता है, थोड़ा सा स्लो मिलता है, ट्यूसा का स्लाइटली बेटर मिलेगा। प्लस वहाँ पे 360 कैमरा दिया गया, तो वो आपको बहुत ही एक्सीलेंट व्यू ऑफर करता है। एंड इन्फोटेनमेंट सिस्टम का जो ओवरऑल टच रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा स्लो है, ऑल दो जो फीचर्स है वो दोनों में सेम ही ऑलमोस्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो कनेक्टेड कार फीचर्स आपको मिलते हैं वो ट्यूसा में थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं कम्पेयर टू टाटा हैरियर। तो हैरियर का जो स्टीयरिंग व्हील है थोड़ा ज़्यादा बल्की और थोड़ा ज़्यादा ये बिग साइज़ का फील होता है। एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है, टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही अवेलेबल है। काफ़ी स्मूथ एडजस्टमेंट है दोनों की। इवन आपको ट्यूसा में भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाएगी, लेकिन उसका जो स्टीयरिंग व्हील है थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे जो बटन्स है प्लास्टिक के अवेलेबल है, वहाँ पे मेटल में पियानो ब्लैक फिनिश में बटन्स दिए गए हैं, सो थोड़ा सा ज़्यादा वो प्रीमियम फील होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द ड्राइव रिव्यू। सो यहाँ पे ट्यूसा में आपको पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन दोनों ही मिल जाते हैं, दोनों हमने थॉरली टेस्ट करे हैं। और हैरियर में सिर्फ यहाँ पे डीजल इंजन अवेलेबल है, पेट्रोल इंजन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता। तो दोनों ही SUVs की हम बात करेंगे डीजल इंजन के बारे में। सो अब बात करते हैं NVH लेवल के बारे में। तो ट्यूसा में आप पेट्रोल लेते हैं या डीजल लेते हैं, आपको कम्प्लीटली डेड साइलेंट यहाँ पे इंजन मिलेगा। जो रोड नॉइज एंट्री करती है वो एंट्री करती है, अदर देन दैट यहाँ पे इंजन आपको कम्प्लीटली साइलेंट मिलता है, हायर ड्राइव्स पे भी, ट्रिपल डिजिट स्पीड पे भी। और हैरियर से काफ़ी ज़्यादा साइलेंट यहाँ पे इंजन दिया गया, अगर हम दोनों के डीजल इंजन को कंपेयर करें तो। और अब आप चेक कर सकते हैं टाटा हैरियर की NVH लेवल एट स्टैंड स्टिल। सो यहाँ पे जो NVH लेवल है वो स्लाइटली हाई साइड पे दिए गए हैं कंपेयर टू ट्यूसा, एंड उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पावर परफॉर्मेंस है वो भी उस अकॉर्डिंग डिलीवर होती है। लेकिन स्लाइटली यहाँ पे जो इंजन नॉइज़ है वो अंदर कैबिन में ज़्यादा एंटर करती है, प्लस यहाँ पे जो ओवरऑल कैबिन की इंसुलेशन है वो भी स्लाइटली आपको कम मिलेगी, जिस वजह से यहाँ पे जो रोड नॉइज़ वगैरह है, इंजन नॉइज़ है, वो जब आप हाई स्पीड पर ड्राइव करेंगे तो और ज़्यादा अंदर एंटर करती है कंपेयर टू ट्यूसा। ट्यूसा में जो आपको इंजन मिलता है दैट इज़ कम्प्लीटली डेड साइलेंट, सो हायर रेफ पे भी वहाँ पे इंजन जो है बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है।
एंड देन बात करते हैं हम गियर शिफ्ट के बारे में, तो जो अपशिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट है वो आपको ट्यूसो डीजल में, ट्यूसो पेट्रोल के कंपैरिजन में ज़्यादा क्विक मिलती है, एंड हैरियर डीजल के कंपैरिजन में ट्यूसो डीजल की जो गियर शिफ्ट है वो और भी ज़्यादा क्विक है। तो अपशिफ्ट हो या फिर डाउन शिफ्ट हो, दोनों ही क्विक दी गई है। डाउन शिफ्ट ऑल दो ट्यूसो और डीजल की हल्की सी और क्विक होती तो और ज़्यादा बेटर रहता, बट हैरियर से अपशिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट दोनों ही ज़्यादा क्विक दी गई है। एंड टाटा हैरियर में यहाँ पे जो ब्रेक्स दी गई है दे आर एक्सट्रीमली प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा शार्प ब्रेकिंग मिलती है और एक्सलेंट ब्रेक ऑफर करती है। इवन आप 100 की स्पीड पे ब्रेक हिट करेंगे यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द ब्रेक्स। एंड जो ट्यूसो की ब्रेक्स है वो इतनी पावरफुल नहीं दी गई जितनी यहाँ पे हैरियर में मिल जाती है। एंड स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो ये बहुत ही क्विकली 0 लेवल पे आ जाता है। ऑल्सो जैसे डिफरेंट ड्राइव मोड आप शिफ्ट करते हैं तो उस हिसाब से ही स्टेयरिंग व्हील वेट भी कैरी करता है, तो ईको में ये बहुत ही लाइट रहता है। जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल मोड पे शिफ्ट होंगे तो ये स्लाइट बिट ज़्यादा वेट कैरी कर लेता है, एंड जैसे हम नॉर्मल से स्पोर्ट मोड में जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा वेट कैरी कर लेता है। बट वेट कैरी करना इज़ वन थिंग एंड गिविंग कॉन्फिडेंस ऑन हायर स्पीड इज़ डिफरेंट थिंग। तो जैसे हम स्पोर्ट मोड में भी अगर हम ड्राइव करते हैं विद स्टीयरिंग व्हील तो ये स्लाइटली ज़्यादा वेट कैरी कर लेता है और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस वहाँ पे मिल जाता है, यू नो वेयर द कार इज़ गोइंग। तो यस, ये वेट थोड़ा ज़्यादा कैरी कर लेता है, जो फील एंड फीडबैक है स्लाइटली और बेटर हो सकता था। बट यूसो का जो स्टीयरिंग व्हील है गाइज आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं ऑन हाई स्पीड, जब आप कार को ड्राइव कर रहे होते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और ये लो सिटी स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा लाइट रहता है इको मोड में आप ड्राइव करते हैं। तो अगर हैरियर की बात करें तो हैरियर का जो लो सिटी स्पीड का स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी रहता है, तो अगर आपको मैन्यूवर करना हो सिटी में ज़्यादा देन यू विल फाइंड कि वो स्लाइटली ज़्यादा हैवी है, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था। बट ओवरऑल दोनों की जो स्टीयरिंग व्हील है दे आर नाइस, ट्यूसो का स्लाइटली आपको बेटर मिलता है। बट यहाँ पे जो सिटी स्पीड पे आप ड्राइव करते हैं यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो स्लाइटली थोड़ा सा हैवी दिया गया है, वहाँ पे जो ट्यूसो है स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी लाइट मिलता है। तो हाई स्पीड पे दोनों की जो स्टीयरिंग व्हील्स है वो अच्छा कॉन्फिडेंस आपको ऑफर करते हैं, एंड दोनों के जो स्टीयरिंग व्हील्स है वो स्लाइटली बेटर हो सकते थे इन टर्म्स ऑफ फील एंड फीडबैक। और यहाँ पे जो बॉडी रोल है ऑल्दो वेल कंटेन दिया गया है लेकिन ट्यूसो से स्लाइटली ज़्यादा आपको मिलता है। और अब बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में, तो ट्यूसो जो पेट्रोल है उसका सस्पेंशन आपको ज़्यादा सॉफ्ट मिलता है, डीजल का जो है वो इतना सॉफ्ट नहीं दिया गया जितना पेट्रोल का है। तो ट्यूसो का सस्पेंशन जो है वो बहुत ही ब्रिलियंटली वर्क करता है लो सिटी स्पीड पे हो या फिर हाई स्पीड पे हो। सो टाटा हैरियर का यहाँ पे जो सस्पेंशन ट्यून्ड आपको मिलता है वो बहुत ही हैवी सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया, तो ऑल दो यहाँ पे जो बम्प्स वगैरह है वो फील होते हैं बिकॉज हैवी सस्पेंशन है, कार भी बहुत ज़्यादा हैवी है। बट यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो उस हिसाब से दिया गया है कि आपको अगर डेली बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते पे भी ड्राइव करना हो देन यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो ट्यूसो का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे दिया गया, इवन ये वाला जो बम्प एंड पॉट होल है हमने इवन सेम रूट्स पे कार को बार बार टेस्ट करा है, जो भी यहाँ पे बम्प्स एंड पॉट होल्स है बिल्कुल अंदर फील भी नहीं होते, यहाँ पे थोड़े बहुत फील होते हैं बट किसी भी टाइप का ऐसा बिग डिस्कम्फर्ट नहीं होता। लेकिन जो ट्यूसो का सस्पेंशन है सिटी के हिसाब से आप देख रहे हैं दैट इज़ द परफेक्ट सस्पेंशन सेटअप। अगर आपको एक रगेड कार चाहिए, रगेड सस्पेंशन सेटअप चाहिए देन यू शुड गो फॉर दिस वन, बिकॉज वो इतनी रगेडनेस से बिल्ट अप नहीं है, उसका इतना हैवी सस्पेंशन नहीं जितना इसका है। और अब बात करते हैं पावर के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। तो ऐसे तो हम ट्यूसो पेट्रोल डिस्कस नहीं कर रहे बट पेट्रोल में जो आपको पावर मिलती है वो स्ट्रॉन्ग लीनियर पावर दी गई है, सिटी यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ओकेजनल हाईवे यूज़ के लिए भी आपको ओके पावर मिलती है, लेकिन पावर थोड़ी और हो सकती थी, बहुत एंथुजियास्टिक पावर यहाँ पे पेट्रोल में ट्यूसो में नहीं मिलती। बात करते हैं डीजल के बारे में, तो पावर एंड परफॉर्मेंस कंपेयर करें हैरियर डीजल एंड ट्यूसो डीजल की, सो ट्यूसो डीजल में जो मिड रेंज है वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है, यहाँ पे जो हल्की सी लोअर एंड पावर है वो ट्यूसो से बेटर दी गई है, दोनों की जो मिड रेंज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। और यहाँ पे ड्राइव मोड भी अवेलेबल है, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इको स्पोर्ट एंड सिटी मोड आपको तीनों ही एसयूवीज में मिल जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, एंड उस अकॉर्डिंग जो पावर है वो भी ऑल्टर हो जाती है। कॉर्नर्स पे आप कार को यहाँ पे पुश करते हैं तो यहाँ पे जो टाटा हैरियर है थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहती है, इवन हाई वेज पे हाई स्पीड पे भी यहाँ पे जो हैरियर की स्टेबिलिटी है आई गेस बिल्ड क्वालिटी की वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलती है। सो परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली टाटा हैरियर में वे बेटर मिलती है, वहाँ पे जो पावर दी गई है ट्यूसो में वो स्लोली डेवलप होती है, अच्छी पावर है, अच्छी पुलिंग पावर है लेकिन थोड़ा स्लो डेवलप होती है, यहाँ पे जो पावर है वो रैपिडली डेवलप होती है। दोनों की जो मिड रेंज है वो स्ट्रांग दी गई है, इनिशियल जो पिकअप है दोनों में स्लाइटली आपको कम मिलती है और बहुत ज़्यादा रैपिडली यहाँ पे पावर डेवलप होती है हैरियर में, एंड हैरियर इज़ डेफिनेटली मोर फन टू ड्राइव इन डीजल
if you like pushing the car. तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में. फर्स्ट एस्पेक्ट इज द प्राइसिंग. तो दोनों की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी डिफरेंट दी गई है. जो उसकी प्राइसिंग है थोड़ी हायर से स्टार्ट होती है, बिकॉज जो उसका बेस मॉडल भी है वो कम्प्लीटली फीचर लोडेड आपको मिलेगा. इसका जो बेस मॉडल है वो कम्प्लीटली लाइक बेस मॉडल मिलता है, तो उसकी जो प्राइसिंग है उस हिसाब से कम रखी गई है. तो दोनों में काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट दिए गए हैं. थोड़ी रगेड एसयूवी है, थोड़ी मस्कुलर एसयूवी है, जो कि हम बोल सकते हैं गो एनीवेयर एसयूवी. इसका जो सस्पेंशन सेटअप है उस हिसाब से ट्यून करा गया कि कोई भी रोड्स को इजीली हैंडल कर सकता है. लाइक वर्स्ट ऑफ वर्स्ट रोड में भी आप कंटिन्यूसली इसे ड्राइव कर सकते हैं. वेयर एज इसका सस्पेंशन आप उतना ज़्यादा लाइक अब्यूज़ नहीं कर सकते जितना इसका आप कर सकते हैं. एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा दी गई है, पावर ज़्यादा दी गई है. एंड फिट एंड फिनिश क्वालिटी की बात करी जाए, अदर एस्पेक्ट्स की बात करी जाए, तो जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, जो इंटीरियर्स हैं, जो स्पेस है, जो कंफर्ट है, वो आपको टियोसो में बहुत बेटर मिलता है. तो अगर आप एक सिटी कार देख रहे हैं जो कि आपको मोस्टली सिटी में चलाना है, हाईवे में भी ओकेजनली लेके जाना है, एक फैमिली कार आप देख रहे हैं, तो आपके लिए ये जो एसयूवी है दैट गेट्स योर जॉब डन. और फीचर्स की बात करें तो हैरियर में कई सारे जो फीचर्स हैं वो नहीं दिए गए, जैसे कि आपको ड्राइवर साइड सीट में यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट नहीं मिलती, पैसेंजर साइड नहीं दी गई, 360 कैमरा इस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल होना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया. वेरस ट्यूसो की बात करें तो हीटेड सीट, कूल्ड सीट्स, साथ में एडास के फीचर, यहाँ पे 360 कैमरा, फ्रंट रियर सेंसर, सारे फीचर्स अवेलेबल है. सो इट्स अ कम्प्लीटली फीचर रिच एसयूवी एंड दिस एसयूवी गेट्स योर जॉब डन. तो आपका इन दोनों में से कौन सी चॉइस रहेगी? आप एक बहुत ज़्यादा रगेड एंड मस्कुलर एसयूवी परचेज़ करना प्रेफर करेंगे, या फिर आप वो एसयूवी परचेज़ करना प्रेफर करेंगे जो कि एक अर्बन है एंड बहुत ही मॉडर्न एसयूवी है, इट गेट्स ऑल द बेल्स एंड विसल्स? सो आपकी क्या चॉइस रहेगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में.